हे गाइस, कैसे हो सारे? आई होप आप सब अच्छे एकदम मस्त होंगे। सो गाइस, मैं नमिका हूं, गाइस मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो गाइस, मैं आपके सामने एक वीडियो लेते हूं। इस वीडियो के अंदर देखोगे कैसे इस टाइप का एक प्रोडिंग कर सकते हो पिज्जा के अंदर। तो गाइस, ये प्रो मैं पिज्जा के अंदर ही बना, तो लाइट रूम का कुछ हेल्प लिया। तो इस प्रोडिंग करने के लिए जो जो पीएनजी बैकग्राउंड में यूज़ किया, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आराम से डाउनलोड कर लेना। और गाइस, मैंने इंस्टाग्राम को अभी तक फॉलो नहीं किया, तो मैं इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल पर क्लिक कर देना। तो चलो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये हमारा आज का बैकग्राउंड है। तो ये सिंपल, बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड, तो इस बैकग्राउंड में खुद ही बनाया। तो इस बैकग्राउंड को मैं सिंपल एक मॉडल को ऐड कर लूँगा। तो ये राज भाई का फोटो है, तो राज फोटोग्राफी का राज भाई है। तो गाइस, आप तो जानते हो इसलो। तो गाइस, इस फोटो का बैकग्राउंड में कैसे इरेज किया उस आप नहीं जानते हो, तो डिस्क्रिप्शन बुक में एक वीडियो का लिंक दिया, हाउ टू प्रोफेशनली बैकग्राउंड इरेज, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। ओके, तो ठीक से इंस्टाग्राम का मिडिल में इस मॉडल को मैं बैठा दूंगा, लगा दूंगा। लगाने के बाद गाइस, एक एक करके कुछ पीएनजी में ऐड कर लूँगा। तो गाइस, एक एक करके पीएनजी लगाऊंगा और फोटो अमेजिंग हो जाएगा। तो सिंपल एक लाइट पीएनजी ऐड करेंगे, सिंपल एक लाइट पीएनजी। तो सिंपली इस लाइट पीएनजी को हमारा लेना होगा एडजस्ट करना। तो इसका कलर हमारा पीछे जो इंस्टाग्राम दिख रहा हो ना, तो सेम कलर करना होगा। सेम कलर करने के बाद डन करना होगा। डन करने के बाद इसको हमें लेना होगा इरेजर के अंदर। इरेजर सेलेक्ट करने के बाद हार्डनेस को थोड़ा सा कमा देना होगा, साइज को थोड़ा सा बढ़ा देकर इसका लेंस के ऊपर जो व्हाइट जो हिस्सा दिख रहा हो उसको हमारा डिलीट करना होगा। तो वैसे ये डिलीट बहुत ही फेक फेक जैसे लग रहे हैं, तो उसके लिए इसको हमारा फिर भी लेना होगा इरेजर के अंदर। हार्डनेस को और भी कमा देना होगा और थोड़ा सा साइज को बड़ा करके इरेज करना होगा। क्या इसका ब्लेंड को कर देना स्क्रीन पहले, करने के बाद हमें लगा देना। लगाने के बाद गाइस, इसको मैं कर लूँगा डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद ऊपर लगाऊंगा। तो गाइस, आपके पिक्सेट के अंदर डुप्लीकेट ऑप्शन नहीं है, तो पिक्सेट को अपडेट कर लेना, आपके पास डुप्लीकेट ऑप्शन आ जाएगा। ओके, तो सिंपली दोनों पीएनजी में लगा दिया लाइट पीएनजी। वो लाइट पीएनजी लगाने के बाद देखो गाइस, हमारा पीछे का इंस्टाग्राम लाइट मॉडल के ऊपर आ रहा है। ओके, तो सिंपली एडजस्ट के अंदर लेना होगा। एडजस्ट के अंदर लेने के बाद यहाँ जो कलर दिख रहा हो, तो इसका कलर व्हाइट येलो है, तो इसको कलर भी हमारा इंस्टाग्राम का कलर का सेम करना होगा, सेम कलर करना होगा। तो गाइस, आप देखो इंस्टाग्राम कलर का कौन कलर है, नीचे नीचे में देखो, ऊपर कुछ भी हो सकता है। तो सिंपली इस हार्डनेस को कमा दूंगा, साइज को थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ मैं ब्रश कर दूंगा। ये करने के बाद देखोगे गाइस, यहाँ लाइट आ गया, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इंस्टाग्राम का लाइट। तो इस साइड भी हमारा लाइट चाहिए और एक साइड में, तो उसको वो भी मैं हल्के से कर दूंगा, हार्डनेस को थोड़ा सा कमा के साइज को थोड़ा सा बढ़ा के यस कर दूंगा। ये लाइट देने के बाद गाइस, देखो हमारा ओरिजिनल फोटो के जैसा लग रहा है, लाइट आ रहा है। तो सिंपली कुछ इंस्टाग्राम पीएनजी को मैं ऐड कर लूँगा, छोटा छोटा इंस्टाग्राम, तो एक को मैं ऐड कर लूँगा। तो सब और कोई चाहिए तो डुप्लीकेट कर लूँगा। तो सिंपली एक को मैं ऐड कर लिया यहाँ में लगाने के लिए, तो थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा ताकि ऐसा लगेगा ये इंस्टाग्राम का लाइट हमारे मॉडल के ऊपर पड़ रहा है। तो जो कलर मैं पहले एडजस्ट के अंदर बनाया था, तो उस कलर इस इंस्टाग्राम के है। ओके, ऐसा लगना चाहिए। तो डुप्लीकेट करके मैं और एक कर लिया, सेम साइज में और एक साइड में लगा दूंगा, और एक को मैं डुप्लीकेट कर लूँगा, करने के बाद ऊपर लगा दूंगा, और एक को हमारा डुप्लीकेट करना होगा इस साइड में लगाने के लिए। तो सिंपली रोटेट करके इसको घुमा लूँगा। तो ये करने के बाद देखो गाइस, हमारा फोटो कितना अमेजिंग लग रहा है, एकदम न्यू इंस्टाग्राम। तो ये कॉन्सेप्ट मेरा दिमाग से निकला, आपके पास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बता देना। बुरा लगे तो वो भी बताना, और अच्छा लगे तो वो भी ज़रूर बताना। आपका कमेंट करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप क्यों नहीं समझते हो भाई, प्लीज़ कमेंट करो ना, एक कमेंट करो तो भाई मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, आपका याद आ जाएगा। तो सिंपली एक स्मोक पीएनजी में ऐड कर लिया। तो स्मोक पीएनजी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप आराम से डाउनलोड कर लेना। तो एक को मैं यहाँ में लगा दूंगा यहाँ से, और एक को ये इस साइड में लगा दूंगा। तो दो साइड में हमारे स्मोक आना चाहिए। ओके, तो गाइस, इसको स्मोक का पीछे जो ब्लैक है उसको हमारा रिलेट करना होगा। तो उसको कैसे रिलेट करेंगे, इसका ब्लेंड को कर देना स्किन। ब्लेंड को स्किन काटते ही देखो हमारा स्मोक, हमारा ओरिजिनल स्मोक हमारे फोटो के ऊपर आ गया, और जो ब्लैक हिस्सा है वो डिलीट हो गया। तो सिंपली ये फोटो रेडी है। तो इस फोटो को सिंपली ड्रॉ के अंदर जाके हमारा मोबाइल पे सेट करना होगा। तो ये सेट करने के बाद हमारा इस कुछ एडिटिंग लाइट रूम के अंदर है, तो लाइट रूम के अंदर बहुत ही खास एडिटिंग होने वाला है, उसके लाइट रूम का ट्यूटोरियल मिस मत करना। ओके, तो गाइस सिंपली मैं सेव कर लूँगा। हमें सेव करने के बाद गाइस देखो, लाइट रूम ऑलरेडी मैं ओपन कर लिया। तो सिंपली पिक्चर के अंदर जो फोटो निकला था वो फोटो लाइट रूम के अंदर ऐड कर लूँगा। तो गाइस देखो, ऐड भी कर लिया, कैसे ऐड करते आप तो जानते हो, है ना, जानते हो। तो बहुत ही सिंपल है, नहीं जानते तो देख लो, फिर देख लो। तो सिंपली देखो, फोटो ओपन कर लिया मैं लाइट रूम के अंदर। तो ये ओपन करने के बाद सिंपली गाइस हमारा कुछ स्टेप यूज़ करके फोटो एडिट करना होगा। तो सिंपली पहला स्टेप हमारा ब्राइटनेस के अंदर है। तो गाइस उसके अंदर जाके एक्सप्लोर को थोड़ा सा बढ़ा लूँगा, कंस्ट्रक्ट को थोड़ा सा बढ़ा लूँगा, और हाईलाइट जो है उसको थोड़ा सा कमा दूंगा। कमाने के बाद शैडो जो है उसको थोड़ा सा बढ़ा लूँगा। बढ़ाने के बाद व्हाइट जो है तो उसको थोड़ा सा कमा लूँगा। कमाने के बाद हमारा ब्लैक जो ऑप्शन है, ब्लैक्स, तो उसको हमारा सिंपली माइनस करूँगा। ये आप कर भी सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो गाइस देखो, फोटो के ऊपर कुछ नहीं हुआ, तो उसके लिए हमारा फिर भी जाना होगा
जाने के बाद कंस्ट्रक्ट को थोड़ा सा बढ़ाना रहना होगा, बहुत ज़्यादा 76 के आसपास देना होगा। तो गाइस ये करने के बाद देखो गाइस फोटो के ऊपर कितना अच्छे लुक आया, चेंज आया कितना अच्छे। तो सिंपली इस बार जाना होगा कलर में, कलर में जाने के बाद मिक्स पर जाना होगा। मिक्स पर जाने के बाद सिंपली सिलेक्ट कर लूँगा ऑरेंज कलर। तो ऑरेंज कलर सिलेक्ट करने के बाद हमारा लुमिनस जो है तो लुमिनस को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, बढ़ाने के बाद सेशन को थोड़ा सा कमा दूंगा, तो -12 के आसपास रख देना। तो ये करने के बाद गाइज हमारा सेट क्या करना होगा मैं देखता हूँ। गाइज बहुत ही अच्छे एडिटिंग होने वाला है, प्लीज़ लाइटिंग एडिटर मिस मत करना। तो रेड सेलेक्ट कर लूँगा, तो रेड का कोई इफेक्ट हमारा फोटो ऊपर नहीं पड़ रहा है, उसके लिए रेड को थोड़ा सा आप चाहो तो आपका मार्जिन में कर सकते हो। तो लुमिनस को थोड़ा सा बढ़ा दिया, ह्यू को थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो ऐसे ये करने के बाद देखोगे फोटो के ऊपर कितना अच्छी इफेक्ट आ गया, फोटो चेंज नहीं हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सिंपली इस बार हमारा जाना होगा इफेक्ट के अंदर, बिगनेस जो आइकॉन दिख रहा है उसके अंदर जाना होगा। जाने के बाद डेस को कुछ ज़्यादा ही बढ़ाना होगा और क्वालिटी को तो थोड़ा सा बढ़ाना होगा, क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा तो ब्लैक एक्स्ट्रा बेकार लगेगा। तो सिंपली टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, फोटो के ऊपर एचडी लुक आ जाएगा और बिगनेट को थोड़ा सा कमा दूंगा, फोटो के आसपास ब्लैक ब्लैक अच्छे लुक आ जाएगा। तो बिगनेट को बढ़ाओ तो कैसे लगेगा देखो, व्हाइट व्हाइट हो जाए और कमाओ तो कैसे लगे, तो बढ़ाने के बाद ही बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। तो उसके बिगनेट को थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा। तो ये करने के बाद देखो गाइस फोटो हमारा बहुत ही जक्कस लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो कैसा लग रहा है आपके पास प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना आपका, मैं पहले तो बताया आपके कमेंट पर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस फोटो के ऊपर बहुत सारे नॉइज़ है, तो कैसे रिमूव करेंगे उस नॉइज़ तो हमारा जानोगा डिटेल्स के अंदर। ट्रायंगल जो ऑप्शन देख रहे हो उसके अंदर जाकर शार्पनिंग नॉइस रिलेशन और कलर्स को बढ़ा देना, वो करने के बाद आपका मार्जिन में देख सकते हो कितना अच्छी फोटो बन गया। तो मेरा उम्मीद है अभी आपका अच्छा लगा तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब।